गया है, हम आपकी सारी दुविधाओं को अब क्लियर करते हैं। देखिए 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए अभी एक वीडियो आया, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात किए, वो स्टूडेंट के मांग के सहमत है, और आरआरबी रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म, ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी उनके लिए CBT2 को जो अचानक जोड़ा गया था उसपे भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। इस पर प्रधानमंत्री का भी इंटरफेरेंस था जिस वजह से ये आसानी से हुआ। अब बातों को समझिए, इसमें गलती रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से नहीं थी, इसमें गलती आरआरबी की ओर से थी। आरआरबी को स्टूडेंट की समस्याओं से मतलब नहीं था, और आरआरबी भी कुछ चीजों से जूझ रही थी, उसको इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर ऐसा डिसीजन लिया है, ये गलत है। देखिए ये किसी टीचर या स्टूडेंट का स्टेटमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। हम बताते हैं क्यों ऐसा नहीं होगा, रेलवे को अपनी बात क्यों माननी पड़ेगी। क्योंकि ये जो संशोधन और कमेटी बनाई गई है और ये जो डिसीजन लिया गया है कि 20 गुना रिजल्ट और CBT2 ग्रुप डी से हटाया जाएगा, ये रेल मंत्री का डिसीजन है और इसमें पीएमओ इन्वॉल्व है, न कि आरआरबी का। अगर आरआरबी का रहता तो आरआरबी मनमानी करती, लेकिन उसके ऊपर पीएमओ का डेडलाइन है, पीएमओ जिस डेट को दे दी उसको हर हाल में मानना है। इसलिए आपकी हर मांग को मान लिया गया है, आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। आरा में जो ट्रेन जला दी गई या फिर गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्यार्थी कह सकता है कि उसके आड़ में किसी दूसरे ने नहीं किया हो? करेगा कोई भी? भुगतेंगे स्टूडेंट। आपके लिए हम खड़े हैं बाबू, आपकी हर मांगों को हम शुरू से ही उठाते आए हैं, लेकिन जब हम वहां जाते हैं मंत्रालय में बात करने के लिए या बोर्ड ऑफिस में बात करने के लिए, तो वहां हम क्या जवाब देंगे किसी हिंसा का? वो यही पूछेंगे ना, जब बातें मान ली गई है तो आप क्यों हिंसा कर रहे हैं? तो इसलिए आप कल किसी भी तरह का, एक कह रहा है कोई भारत बंद होगा, क्यों भैया? अब आपकी स्टूडेंट की मांग हो गई, खत्म कहानी, अब आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ऐसे किसी भी और फेक न्यूज अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए, कुछ भी जो यूट्यूब वाले हैं कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे चीजों से आप बचिए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी लड़का कल कोई भी प्रोटेस्ट या वायलेंस नहीं करेगा। हम कोई भी शिक्षक, हम हो या कोई टीचर, सारे टीचर परेशान हैं कि कल के प्रोटेस्ट को कैसे भी रोकिए। सारे टीचर से भी कहते हैं कि आप लोग तत्काल वीडियो रिलीज कीजिए कि कल कोई भी स्टूडेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो। रेलवे को इंटेलिजेंस मिला है, रेलवे इंटेलिजेंस वाले हमको कह रहे हैं कि गोरखपुर के कुछ लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गोरखपुर के लड़के क्या अलग से हैं? आप कहीं के भी हो, बिहार, नवादा, नालंदा, कहीं के भी हैं, आप कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आपकी मांगों को माना जा चुका है, हम बता रहे हैं, क्योंकि इसमें पीएमओ ने इस बात को माना है, ना कि आरआरबी। अगर बोलती तो हम भी कहते कि हाँ, आप 100% भरोसा नहीं कर सकते। तो कोचिंग के पास आए हैं या जो कहना है भाई, देखिए स्टूडेंट आप सबने बहुत साथ दिया, हम लोगों ने भी आपका साथ दिया, आपने भी बहुत सारे टीचर्स का भी साथ दिया, आप सब लोग को हाथ जोड़ के धन्यवाद कहते हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट से कहते हैं, देखिए जो भी लड़कों पे केस हुआ है अभी उसको हम लोग लीगल तौर पे देख रहे हैं कि उन स्टूडेंट के साथ क्या होगा, और जो हम लोग के ऊपर FIR हुई है उस पे खुद प्रशासन, DM और SP साहब जो भी पटना के हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हर टीचर को वो अपने बातों को कहने देंगे। एक्चुअली उन लोगों ने गलत न्यूज देखा है जिस आधार पर उन्होंने बताया गया है। बाद में अभी कोचिंग एसोसिएशन की पूरी टीम गई थी, उन्होंने लीगल दिखाया, तो उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो हम बातों को समझेंगे। जब हम लोग वहां बातें करेंगे तो बताएंगे, आगे हम लोग पे क्या एक्शन लिया जाता है वो हम आपको बताएंगे। हम आपके साथ हैं, आप लोग हमेशा रहिए, आप लोग देखिए हम आपकी हर बात उठाते हैं। लेकिन अभी हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि 28 तारीख को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 28 तारीख को कुछ होगा तो फिर हमको जवाब देना ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपकी हर बातों को मान लिया गया। हां, हमारी गिरफ्तारी या किसी टीचर की गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, FIR वापस होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें जब हम वहां बैठेंगे प्रशासन पे, जो डिसीजन होगा हम आपको बता देंगे, वरना फर्जी न्यूज पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आप बाबू बात समझिए, इतना प्रेशर है, हमारे घर के लोग, हमारी मम्मी परेशान है। अगर आप कल को अगर प्रोटेस्ट कर देते हैं या कुछ भी, तो हम अपनी मम्मी को समझाने में परेशान होंगे। एक फैमिली बताइए, हम लोग की फैमिली के ऊपर क्या गुजरता होगा, आप समझिए इस चीज को। हम इसलिए फिर हर स्टूडेंट को हम हाथ जोड़ते हैं, बाबू हम ठीक हैं फिलहाल, अगर पुलिस कुछ भी कार्रवाई करती है हमारे ऊपर हम आपको बताएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन भी पढ़ी लिखी होती है, ऐसा नहीं है कि जो वहां पे बैठे हैं वो आपकी तरह स्टूडेंट नहीं रहेंगे, वो भी समझते हैं। उन लोग की जिम्मेदारी, बताइए पटना के DM और SP साहब की इसमें क्या गलती थी? लेकिन प्रेशर तो उनके पास है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, तो वो लोग भी इसको कर रहे हैं। उन लोग के पास जैसा डिसीजन होगा हम आपको बताएंगे। और हाँ, ये बात हम हमेशा कहते हैं कि जो रेलवे बोर्ड बनाया गया वो इलेक्शन से मोटिवेटेड नहीं है, ये PMO के इंटरफेयर के बाद इसे बनाया गया। हम आप सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ खड़े हैं, हम आप सबको भी हम कहते हैं आप लोग को धन्यवाद।
बाद और प्रशासन को भी कहते हैं कि देखिए अगर हमारे नाम से कोई आईडी बनी है तो वो हमारी नहीं हो सकती। अगर कोई बराक ओबामा के नाम से आईडी बना के कुछ बनाता है तो उसमें बराक ओबामा को आप अरेस्ट या एफआईआर नहीं कर सकते, तो आप पहले उसकी सत्यता की जांच कीजिए। रही बात खान सर का नाम क्यों आ जाता है, तो भैया एक बात बताओ कि विद्यार्थी का इशू रहेगा, टीचर का नाम नहीं आएगा। हाँ, आप पूजा करिएगा और गणेश जी का नाम नहीं होगा, कोई भी पूजा करिएगा सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है। तो आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टूडेंट से पूछिएगा, उनके इशू में हम साथ रहते तो हमारे लिए खड़े रहेंगे वहां पर। तो इसलिए इसको भी समझिए वहां पे। और स्टूडेंट्स भी कहते हैं देखिए हम आपकी बातों को ले, हम अपना सब कुछ दाव पे लगा दिए, लेकिन हमको इसलिए हम आखिरी सांस तक स्टूडेंट के लिए रहेंगे, हम बाजी लगा देंगे अपनी जान की जब जब बात आएगी हिंदुस्तान की। तो कल बात हिंदुस्तान की है, हाथ जोड़ते हैं कल कोई लड़का प्रोटेस्ट में भाग न ले, प्लीज कहते हैं। और हर टीचर से कहते हैं आप जहां भी हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक हैं।